हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो वीडियो हमारा वो बोगनविलिया प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में है। उसको हम कटिंग के थ्रू कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है, कटिंग के थ्रू कैसे उसको प्लांट को ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कलर्स की कटिंग है बोगनविलिया की। इसको हम ब्लड रेड कलर कह सकते हैं, और ये रेड कलर में हमारे पास कटिंग्स, और इसमें देखो ये वाइट कलर और ये हल्का सा पिंक कलर मिक्स में है, और ये मजंटा कलर है मेरे पास। तो इसमें सभी की देखो, जैसे इसके बाद 3 से 4 कटिंग इसकी है मेरे पास, 2 कटिंग इसकी हैं, 3 4 कटिंग इसकी हैं। तो मल्टीपल कटिंग्स लगाएंगे, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम मैं इसको लगा रहा हूँ, इसका रिजल्ट्स नहीं पता मुझे कैसे आते हैं, तो इसलिए मल्टीपल कटिंग लगाते हैं कि इसमें से अगर एक तो हमारी सक्सेसफुल नहीं भी होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ तो हमारी ग्रोथ अच्छी निकल के आएगी। तो देखो, मैंने कटिंग्स भी इसकी अलग अलग तरीके में की हैं। अभी जैसे ये है, तो मैंने इसकी देखो कटिंग नीचे से, इसको हम थोड़ा सा ऐसे ओपन कर देते होते हैं ताकि जहाँ से इसको नई रूट्स डिवेलप होने में, ठीक है, आसानी से जगह मिल सके, ठीक है। और ऊपर से देखो, मैंने ऐसे इसकी ब्रांचेस छोड़ दी हैं ताकि जब ये ग्रो करे तो एज अ ट्री यहाँ पे ऐसे ग्रो कर जाए, क्योंकि इसको हम पोर्ट्स में लगाएंगे तो इसकी हाइट तो हमने ज़्यादा लेनी नहीं है, तो इसीलिए हम इसकी हाइट कम लेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जैसे, तो ये हमारा देखो वाइट कलर में थे और ये ऐसे ही रेड है। देखो, एक तो मैंने ये इसकी स्ट्रेट एक लंबी ब्रांच ही ली हुई है, और एक को मैंने ऐसे मल्टीपल जिसकी ब्रांचेस निकल गई वैसे ले लिया, ठीक है। तो वही मल्टीपल वेज हैं इसके, हम अलग अलग टाइप से अलग अलग इसकी शेप्स ग्रो करेंगे ताकि जिससे हमें इसका रिजल्ट का पता चल जाए कैसे आते हैं। तो ये देखो, ये इसकी मैं काफ़ी बड़ी कटिंग ये ग्रो करने वाला हूँ, ठीक है, और देखो छोटी कटिंग भी है। तो जैसे ये है, तो ये तो मैंने देखो कटर से कटिंग की हुई है इसकी ग्रो, लेकिन ये क्या है, इसको मैंने जो इसकी बिल्कुल जड़ होती है इसकी ब्रांच की ना, यहाँ से, तो यहाँ से जस्ट प्लग की हुई है, तोड़ी हुई है, तो इसका भी देखेंगे रिजल्ट्स कैसे आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसकी रेडी करते हैं इनको पॉट्स में लगाने के लिए। जी फ्रेंड्स, तो ये अभी रेडी हैं अभी कटिंग लगाने के लिए। देखो, मैंने इस पर क्या किया है कि मैंने इस पर एलोवेरा जेल लगा ली है एज अ रूटिंग हॉर्मोन्स जो इसको काम करेगी। तो देखो, सभी मैंने ये के एजिस पे, एंड पे, सब पे मैंने ये एलोवेरा जेल लगा ली है ताकि इसको रूटिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो ये देखिए आप, शेप्स भी मैंने इसकी जैसे बताया कि अलग अलग ली हैं, तो देखो ये कैसी शेप भी ली है मैंने। तो अभी इनके फ्लावर मैंने इसलिए नहीं उतारे, तो इनको सभी को मैं रिमूव कर दूंगा, ये सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए, और इनकी मुझे पता चल जाए कि कौन सा कलर कौन से पॉट में लगा रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। बस तो ये अपने आप ही गिरा देगा, ये फ्लावर सारे सूख हो जाएंगे, सूखने के बाद दोबारा इसकी ग्रोथ होगी, लेकिन फिर भी मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। तो चलो इनको लगाते हैं पॉट्स में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, तो अभी जैसे ऑलरेडी मेरे पास ये पॉट्स में जगह खाली पड़ी होती है हमारे पास, तो इसको मैं यहीं में जो प्रोपोगेशन इसकी नई स्टार्ट करता हूँ मैं एक्चुअली, तो ऐसे ही पोर्ट्स में करता हूँ जिनमें हमारे पास जगह खाली होती है। तो जब उसकी रूट्स आ जाती हैं, प्रॉपरली डेवलप हो जाती है, फिर मैं उनको एक नए पोर्ट में शिफ्ट करता हूँ। तो अभी के लिए देखो, जैसे कि ये कटिंग हमने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली सिंपल मेथड आता है जैसे कटिंग लगाने का, तो सिंपली जस्ट इसको हमने इंसर्ट कर देना। मैं इसका ये कांटा निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो इजीली इसको रिमूव कर दिया मैंने, और इसकी सिंपली जस्ट मैं इसको यहाँ से वही 1.5 से 2 इंच इसको अंदर इंसर्ट कर दूंगा। इसको हम ऐसे रखते हैं ताकि इसकी हमें सपोर्ट मिलती रहे और ये ज़्यादा ख़राब भी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये मैंने एक रेड कलर लगा दिया इसमें, और यहाँ पे एक मैं वाइट कलर लगा देता हूँ। तो
तो ये है मेरे पास, इसको मैं इस तरफ लगा देता हूँ ऐसे। ओके, इसका ये कांटा निकालना रह गया था, इसको निकाल देते हैं हम। इसको भी हम ऐसे इंसर्ट कर देंगे 2.5 इंच तकरीबन डीप। ओके, और इसके साथ हम लगा देते हैं एक हमारी ये जो मैजेंटा कलर था इसकी कटिंग, जो कि एक स्ट्रेट कटिंग होगी हमारे पास ये, इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो वैसे ही रहेगा, इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ से थोड़ा सा डीप इसको, और हल्का सा मिट्टी से दबा देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे इसको हल्का हल्का सा पानी देना हमने, उसके बाद फिर वेट करनी है। ठीक है, कैसा होगा। तो बाकी जैसे ये पड़ी है हमारे पास, इनको भी मैं दूसरे पोर्ट्स में लगा देता हूँ ऐसे, और इसको रिजल्ट्स आपको दिखाते हैं फिर। और ये एक रेड वाला है हमारे पास, इसको मैं इसमें जस्ट लगा रहा हूँ। देखो पहले ही मैंने कटिंग लगाई हुई है इसमें, तो उसका जो सॉइल मिक्सचर है काफ़ी अच्छा है नई कटिंग के लिए। देखो सभी कटिंग मेरी अच्छी जा रही हैं, तो एक मैं इसमें लगा देता हूँ, वही सेम मैं इसको जस्ट थोड़ा इंसर्ट कर दूँगा 2.5 इंच सिंपली जस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स जी, तो अभी ये देखो आज इसका बोगनविलिया की कटिंग का अपडेट है ये। तो इसको लगाए हुए तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया, वैसे तो इसकी कटिंग वही 10 से 15 दिन में लग जाती है, लेकिन मैंने इसको इसका जो कटिंग का सीज़न है उसके अकॉर्डिंगली नहीं लगाया था, तो इसने थोड़ा सा टाइम ले लिया है यू नो प्रोपगेट होने में। तो अभी इसको कह सकते हैं 1 से 2 महीने हो गए लगाए हुए, लेकिन अभी इसका फुल सीज़न है, फुल अभी गर्मी है, अभी मई स्टार्ट हो गया हमारा, यहाँ पर मई का मिड चल रहा है। तो ये बोगनविलिया का बेस्ट सीज़न होता है, मौसम होता है उसके लिए, उसके फ्लावर्स के लिए। तो ये देखो इसने अभी जो कटिंग्स है उसने अपनी शूट्स निकालनी स्टार्ट कर दी हैं, लेकिन अभी भी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये रीपोटिंग के लिए रेडी नहीं है। तो जैसे इसकी जो शूट्स हैं थोड़ी सी यू नो ग्रोथ लेंगी, या भी थोड़ा सा और मच्योर होगा ये प्लांट, फिर इसको मैं यहाँ से रिपोर्ट कर दूँगा। थैंक यू जी। फ्रेंड्स एक बात मैं ऐड करनी भूल गया, तो कोई भी कटिंग है हमारी किसी प्लांट की रहती है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर प्रॉपर मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। मेरे एक दोस्त ने इसकी कटिंग्स पे कमेंट किया था, मैंने एक जो अपने गार्डन टूर की वीडियो डाली उसमें कमेंट किया था कि आपने मॉइस्चर प्रॉपर बनाए रखें, नहीं तो आपकी कटिंग्स नहीं प्रॉपरली प्रोपोगेट हो पाएंगी। तो वही था, मैंने उसकी बात को फॉलो किया, तो उसके बाद से मैंने मॉइस्चर इसमें प्रॉपर बना के रखा अपने सभी गार्डन्स में, प्लांट्स में। देखो गर्मी का मौसम है, लेकिन मॉइस्चर प्रॉपर मैं इनको 2 टाइम्स मतलब ऑलमोस्ट शावर टाइप पानी देता हूँ, लाइक डायरेक्ट पानी नहीं देता, इससे फिर वो ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो मैं इसको एज अ यू नो शावर से हल्का हल्का सा पानी दे देता हूँ, तो उससे मॉइस्चर इनका बना रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी देंगे तो, क्योंकि वो मॉइस्चर नहीं होता फिर वो ओवर वाटरिंग हो जाती है। तो मॉइस्चर का मतलब है कि ना ज़्यादा ना मतलब जो हवा में नमी हो, मतलब ज़्यादा मिट्टी गीली भी नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा ऐसे जैसे ड्राई हवा चलती है तो उससे भी नहीं। तो प्रॉपरली एक कटिंग को प्रोपागेट होने के लिए प्रॉपरली जो मॉइस्चराइज इन्वायरमेंट है वो चाहिए होता है। तो अभी देखो ये ठीक है, ऊपर मैंने नेट भी लगाया हुआ है धूप से बचने के लिए। तो ये देखिए चीज़ें बना रही है हमारी सारी, बाकी और कटिंग्स की मैं वेट कर रहा हूँ। देखो तो मैंने इनको निकाला नहीं है, तो मे भी ये भी प्रोपगेट होंगी, क्योंकि इसका भी सीज़न आया है, मौसम आया है। थैंक यू।